हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, प्रियंका चाहर चौधरी बिग बॉस की विनर नहीं बन पाई, लेकिन आखिर क्यों शिव ठाकरे प्रियंका चौधरी के लिए प्रियंका की वजह से अपने दोस्त और बिग बॉस 16 विनर एमसी स्टैन के खिलाफ चले गए। जी हां दोस्तों, शिव ठाकरे जो काफी खुश थे एमसी स्टैन की जीत से, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एमसी स्टैन के खिलाफ शिव ठाकरे को एक कदम उठाना पड़ा? आखिर क्यों प्रियंका और शिव ने एक साथ हाथ मिलाया, वो भी एमसी स्टैन के खिलाफ? क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। बट बिफोर दैट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीवी का पटाखा। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 में जब अंकित गुप्ता की आंखों से आंसू छलके, तब हर किसी ने मान लिया कि सच में प्रियंका हार गई है। हर किसी को उम्मीद थी कि शायद प्रियंका का एलिमिनेशन नकली हो, कोई मजाक हो, पर ये सच था। शिव ठाकरे बहुत ज्यादा खुश भी थे और बहुत उदास भी थे, क्योंकि उन्हें प्रियंका कॉम्पिटिटर लगती थी, पर खुश थे कि उनका दोस्त एमसी स्टैन जीत गया। एमसी स्टैन ने लेकिन जीतते ही अपने ही दोस्तों को बहुत बड़ा धोखा दे दिया। वेल, आपको बता दें कि शिव ठाकरे प्रियंका के पास गए, उससे बातें की, उसे गले लगाया, सारे गिले शिकवे भुला दिए। लेकिन जब वही शिव ठाकरे अपने भाई, अपने सबसे बड़े सगे के पास गए, तो स्टैन ने पूरे तरीके से शिव को इग्नोर कर दिया। जी हाँ, स्टैन अपने फैंस की भीड़ में चला गया और पूरी मंडली को इग्नोर कर गया। वहीं शिव ठाकरे को सपोर्ट किया प्रियंका ने, और शिव ठाकरे ने ये देख लिया कि एमसी स्टैन शिव और बाकी पूरी मंडली का सिर्फ फायदा उठाता रहा और आज जीत गया तो अब पलट कर पूछ भी नहीं रहा। लेकिन प्रियंका ने सच में दोस्ती पूरे तरीके से निपटाई। जी हाँ, अच्छे से अपनी दोस्ती को निभाया, शिव ठाकरे के साथ खड़ी रही, सबके साथ इंजॉय किया, और जब शिव ने देखा कि किस तरह से उसे इग्नोर कर रहा है एमसी स्टैन, तो उसे कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था। लेकिन ये सब कुछ प्रियंका भी देख रही थी, इसीलिए प्रियंका शिव के साथ आई। शिव, प्रियंका और अंकित खुश होकर एक साथ डांस करते हुए नजर आए, सब ने इंजॉय भी किया। वेल, ऐसे में जो हरकत की है एमसी स्टैन ने प्रियंका और शिव ठाकरे की पूरी मंडली के साथ, आपके क्या रिएक्शंस हैं हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।